सभी सेफ शॉप सोल्जर्स को नमस्कार। मैं सलीम मान आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही शानदार शाम है। मेरे चेहरे की खुशी आपको बता रही है कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं और मुझे आपके साथ में खुशी शेयर करने में बड़ा मजा आ रहा है। हमारे सेफ शॉप परिवार के कुछ लीडर्स, हमारे वरिष्ठ सदस्य, हमारे परिवार के हमारे भाई जो किसी वजह से, किसी गर्लफ्रेंड की वजह से, किसी के बहकाने की वजह से या किसी और निजी कारणों की वजह से जिन्होंने कुछ समय पहले हमारे परिवार को छोड़ दिया था, आज मुझे बहुत खुशी है कि वो सभी हमारे सीनियर लीडर्स हमारे साथ वापस आ रहे हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में उनकी वापसी हो रही है और हम सब फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं सेफ शॉप में। तो इन सभी सीनियर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सेफ शॉप में। और हमारे बीच में वीनस लीडर मिस्टर प्रदीप मिश्रा जी हैं। मैं चाहूंगा प्रदीप मिश्रा जी आप स्क्रीन पर आएं और बताएं अपने बारे में और आप कैसे काम करने वाले हैं उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। प्रदीप मिश्रा जी, नमस्कार। सेफ शॉप सोल्जर्स, मैं प्रदीप मिश्रा, विनर्स एडवाइजर्स। फ्रेंड्स, आज के लगभग पौने 2 महीने पहले मुझे दिल्ली बुलाया गया और मुझे कॉल आई दीपक बिल्ला सर और हर्ष बिल्ला सर की तरफ से और दिल्ली बुला के ये बताया गया कि प्रदीप, सेफ शॉप से पैकेज टाइम से नहीं आ रहे हैं, चेक टाइम से नहीं आ रहे हैं और शायद सेफ शॉप अभी सुरक्षित आगे नहीं है क्योंकि डायरेक्टर के आपस में संबंध बहुत अच्छे नहीं है। ऐसी बाकी बाकी बातें बताएगी क्योंकि हर्ष और दीपक सर रिश्ता मेरा 16 सालों से है और बहुत अच्छा रिश्ता हमारा उनसे, उनकी बातों में आ गया मैं। और मैं अर्ली मॉर्निंग निकल गया गाजीपुर वापस दिल्ली से और उसके ठीक 4 दिन बाद हर्ष और दीपक से टर्मिनेट होते हैं सेफ शॉप से और मुझे फोन करते, प्रदीप मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, बोल दो क्या करना आपने। मैंने कहा सर आप जो कहोगे होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ने कंपनी बनाई, हम सबने साइनअप करना शुरू कर दिया और खेल स्टार्ट हो गया। दोस्तों, लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गए, साइनअप होता रहा, केवाईसी होता रहा, ना तो कंपनी के ऑफिस का पता है, ना पैकेज का पता है, ना पे आउट का पता है, ना काम का पता है। हमारे साथ लगभग 1 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। टीम का हाल ऐसा हो गया कि लोगों को चेक नहीं आ रहे हैं, गाड़ी का EMI है, घर का EMI है, बच्चों को अपने खर्चे, घर खर्चे, बड़ी मुश्किलें आ गई। और मैं लगभग इस बीच में दिल्ली 2 से 3 बार आया अपनी कार से कि हो क्या रहा है। दोस्तों, मुझे रात को एक बार डाउट हो गया यार कहीं हर्ष दीपक सर कोई गेम तो नहीं कर रहे हैं और उनको अगर बताया मैं दिल्ली वापस आ गया और दिल्ली आके ठहर के मैंने इंक्वायरी करनी शुरू की आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो दोस्तों, इवॉल्व इंडिया कंपनी जिसके नाम से बहुत चर्चाएं मार्केट में हुई कि कंपनी ये कर देगी, वो कर देगी, सबको बंद करा देगी, बहुत सारा काम करेगी। दोस्तों, मुझे लगा कि पूरा का पूरा झूठ है और हर्ष और दीपक सर जिनका रिश्ता मुझसे लगभग 16 साल का है वो फेंका पड़ना शुरू हो गया। मैं उन पर विश्वास में आकर मैं सोच लिया कि इस कंपनी का फ्यूचर नहीं है, मुझे अब सेफ शॉप वापस आना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आज से 4 दिन पहले सेफ शॉप वापस आया। हमारी मुलाकात हुई मान साहब से, संजय गुप्ता सर से मुलाकात हुई, राज हंस से मुलाकात हमारी हुई। मुझे ऐसा यहाँ पे मालूम पड़ा कि हर सर ने मुझे बताया था, दीपक सर ने, कि प्रदीप मिश्रा आज के लगभग 2 महीना पहले दिल्ली जब आया था तो AWPL कंपनी पूरी टीम के साथ ज्वाइन कर गया। इतना बड़ा झूठ। और कंपनी बोला गया कि प्रदीप मिश्रा वहां ज्वाइन कर गया, यहाँ बोला गया था हमारे बारे में और सबको बोला गया हमारे बारे में गलत सीधा, मतलब ये समझो कि यहाँ कुछ और बोला गया, वहां कुछ और बोला गया। ये भी झूठ आया दोस्तों। एक्चुअली हुआ क्या कि हम जब से बिजनेस करते हैं हमारा समझ सिर्फ दीपक सर था दोस्तों, लेकिन ये जो गैपिंग हुई समझ में आया कि यार हो क्या हमारे साथ कोई गेम चल रहा है। और मैं वापस जब सेफ शॉप आके देखा तो यहाँ बहुत सारी कमियां दिखी। ये कमियां आपको बताऊं कि सेफ शॉप कंपनी ने कोविड टाइम पे कुछ हेल्प करी डायमंड्स की, वो पैसे भी हर्ष दीपक सर ने लिए, अपने पास रख लिए, ऐसा बड़ा धोखा दिया हम लोग साथ में। दोस्तों, मेरा माइंड खुल गया और मैंने अपनी पूरी टीम के साथ आज सुबह 11 बजे के आसपास दोस्तों मैं सेफ शॉप वापस आ गया। हमारी टीम के लगभग लाखों लोग यहाँ ज्वाइन हो गए, वापस काम कर रहे हैं। हमारी टीम सभी लगभग 700 सेलें सेफ शॉप में आ चुकी है। दोस्तों, जीना सेफ शॉप के साथ है, मरना सेफ शॉप के साथ है। भारत की बड़ी कंपनी है, हमने यहाँ से पैसे कमाए। आज मेरे घर के अंदर जो कुछ भी है वो सेफ शॉप से, चाहे वो घर है, चाहे 4 व्हीलर है, चाहे मेरे पास जमीन भी है, चाहे मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ सेफ शॉप से है। दोस्त, अगर मैं बोलूँ मेरे बॉडी में खून है ना, तो दोस्तों 16 साल से काम करता हूँ, खून भी सेफ शॉप के यहाँ भरा हुआ है। और एक इंसान ऐसा धोखा दिया जिसके वजह से दोस्तों मैं थोड़ा विश्वास में आ गया। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैं, हमारी पूरी टीम सेफ शॉप में काम करेगी और दोस्तों कुछ ही महीनों के अंदर हम सभी हिंदुस्तान के हर घरों तक जाएंगे, सबको सेफ शॉप ज्वाइन कराएंगे क्योंकि हमारे पास अब ऐसे ऐसे पैकेज आ रहे हैं जिन पैकेज को लेके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब हमारी कंपनी सेफ शॉप नया पे आउट लेके आ रही है, नया प्लान लेके आ रही है जहां से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा भविष्य सुरक्षित सेफ शॉप के अंदर है। आइए हम सब साथ मिलकर आगे बढ़े और हम सबके ऊपर सपोर्ट मान साहब का है, संजय गुप्ता सर का है, सेफ शॉप डायरेक्टर का। दोस्तों, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सेफ शॉप। दोस्तों, हमारे बीच में ट्रिपल डायमंड दिलीप चौधरी जी भी हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा ट्रिपल डायमंड दिलीप चौधरी जी को स्क्रीन पर। दिलीप चौधरी जी। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप चौधरी गोरखपुर से। पिछले 15 सालों से बहुत ईमानदारी और बहुत ही मेहनत के साथ हमने सेफ शॉप में काम किया और एक बहुत अच्छी टीम बनाई। खुद के साथ साथ टीम के भी बहुत सारे छोटे बड़े सपनों को पूरा किया, टीम के साथ पसीना भी बहाया। लेकिन पिछले 2 महीने पहले कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ हुई जो जिनकी कल्पना कर लेने मात्र से डर सी लग रही है। साथियों, कुछ कोविड के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, प्रोडक्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, जिनके सबके साथ चल रही थी। कई बार प्रॉब्लम को फेस किया मैंने, कई बार ऊपर तक मैंने आवाज लगाई। तो ये वाली बात कभी नहीं बताई गई कि कंपनी इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे जो व्यवस्था कर रही है। अचानक से एक दिन कॉल आई दीपक सर की, और उस टाइम पे मैं चूंकि डायबिटीज का पेशेंट हूँ, लगभग 400 के आसपास मेरा शुगर लेवल था। और सर का फोन आया और मैं सर को मना नहीं कर पाया, क्योंकि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा फेथ, मैं ये कह सकता हूँ तुल्य समझता था। तो सर ने कॉल किया और मैं सर की बातों को नहीं माना, मैं दिल्ली आया। और दिल्ली आने के बाद पूरा माइंड वॉश किया गया सेफ शॉप कंपनी को लेकर के कि अब ये सिस्टम नहीं चल सकता, कंपनी नहीं चल सकती, कंपनी कोई भी बदलाव, हाँ बदलाव को लेकर के काफी समस्याएं थी, क्योंकि 15 सालों के अंदर बहुत अच्छे लेवल के लीडर्स टूट के दूसरी कंपनियों में जाते थे। तो कई बार दीपक सर से चर्चा हुई कि सर हमारी आवाज ऊपर तक जरूर पहुंचाई जाए कि कंपनी कुछ बदलाव लेके आए। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कंपनी ऑलरेडी इन चीजों को समझ चुकी थी कि बदलाव की जरूरत है। दुख इस बात का है कि इस मैसेज को, इस इंफॉर्मेशन को हमसे छुपाया गया, और जबकि इसके अगेंस्ट नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमें दी गई। तो चूंकि मुझे अपनी टीम और अपने दोनों के भविष्य से प्यार था, तो मुझे लगा कि नहीं, डिसीजन मुझे लेना चाहिए। और उस समय मुझे यही बताया गया कि कंपनी अब अच्छा नहीं कर सकती, कंपनी बहुत जल्दी बंद होने के कगार पे है, क्योंकि इसके सिस्टम नहीं होंगे, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों, उस समय हम ब्लाइंड फेथ करके सर की बातों में आ गए, और बातों में आने के बाद हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हमें अपने और खुद के साथ साथ टीम के भविष्य के लिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा। शायद ये मेरा निर्णय अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे गलत निर्णय था। मैं कभी सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि 15 सालों में हजारों बार दिक्कतें आई, परेशानियां आई, नेटवर्क टूटा, लेकिन कभी सेफ शॉप छोड़ने का इरादा नहीं आया। मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, अगर सिर्फ अपनी सोच होती, अगर सिर्फ अपना फायदा देखना होता, तो शायद मैं और भी कंपनी ज्वाइन करता। लेकिन यहाँ पे जो भी हादसा हुआ वो सिर्फ अपनों की वजह से हुआ, विश्वासघात हुआ, क्योंकि हम उनको सब कुछ अपना समझते थे और उनसे ऊपर कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ और हो सकता है। पिछले लगभग 1.5 महीने से लगातार हमें जो है प्रोसेस में घुमाया गया, कभी साइन अप के नाम पे, कभी KYC के नाम पे, तो कभी कंपनी खुलेगी, कभी कंपनी नहीं खुलेगी, बहुत सारी चीजें, और जिसकी वजह से टीम के अंदर, नेटवर्क के अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस आई। और मैं आज इन सभी अपने साथियों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हाँ, मुझसे गलती हुई, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ब्लाइंड फेथ की वजह से गलती हुई। मेरी कंपनी सेफ शॉप, मेरे सारे और लीडर्स, हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं और रेगुलर हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं, और जिसके उदाहरण आप सब लोगों को 2 तारीख को देखने को मिल रहा है। जिस चीज की कभी हम कल्पना करते थे कि काश हमारे पास अगर ये चीजें हो जाए तो मार्केट में कोई माई का लाल नहीं जो हमारे से फाइट कर सकता हो, वो चीजें पूरी हो चुकी हैं। हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारी कंपनी ने मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त तैयारी करी है, और इस तैयारी के बदौलत मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूं कि जो भी बिजनेस आपका नहीं हो पाया पिछले शायद 6 महीने, साल, 2 साल से, वो सारा का सारा बिजनेस हमारे नए सिस्टम से अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और मैं इतना ही चीज बोलूंगा कि मेरी वजह से मेरी टीम के किसी भी सदस्य को कोई भी क्षति हुई हो, कोई भी हानि हुई हो, तो दोस्तों वो शब्द जरूर मेरे हो सकते हैं, वो मुंह मतलब कि वो मेरे द्वारा बोला गया, लेकिन वो शब्द किसी और के थे। और मैं आप सबसे इस चीज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी का कोई नुकसान हुआ, किसी को आघात पहुंचा। और इन बातों के साथ अपनी बातों को यहाँ समाप्त करता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और एक चीज बोलना चाहूंगा, जय सेफ शॉप। थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, मेरी टीम के बहुत ही अच्छे वरिष्ठ सहयोगी हमारे बीच में है डबल डायमंड मिस्टर वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी। नमस्ते साथियों, मैं डबल डायमंड वीरेंद्र कुशवाहा। लगभग आज से 1.5 महीने पहले रात को हर्ष बिल्ला सर का मेरे पास फोन आता है कि आपको दिल्ली आना है। हमने एक बार भी नहीं पूछा कि हमें क्यों आना है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। और मैं अपने साथ जो हमारे डायमंड लीडर भागीरथ सिंह हैं, उनको भी हमने साथ में ले लिया, उनको भी बुलाया गया था। और ये हमें बताया गया कि बहुत सारे जब वहाँ पर हम गए तो हमें बताया गया कि हम कुछ कंपनी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान प्रोडक्ट के प्रॉब्लम आ रहे थे, लोग काम कर नहीं पा रहे थे, ट्रांसपोर्ट जगह जगह रुका हुआ था। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं था बल्कि हर जगह था। और हमें पता चल रहा था कि कंपनी एक बहुत बड़ा वेयर हाउस की तैयारी कर रही है, जहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। बट इसके अगेंस्ट में हमें निगेटिव फीडबैक दिया गया कि कंपनी का पे आउट ठीक नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट ठीक नहीं है, कंपनी की क्वालिटी ठीक नहीं है, जो कि कोरियर की प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई सुनता नहीं यहाँ पे। यहाँ तक कि बताया गया कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनके आपस में रिलेशन ठीक नहीं है और हरीश सोनी सर को कैंसर हो गया है, दूसरे हमारे डायरेक्टर सर को बताया गया कि दूसरी जगह कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस कंपनी का भविष्य बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो एक ऐसी चीज का, ऐसी कंपनी लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे सबका भविष्य बहुत बढ़िया हो रहा है। इस तरह से हमारे ब्रांड को पूरा आवास किया गया और बताया गया कि आप बात किसी को नहीं बताएंगे, तमाम सारी बातों से गुमराह करके हमें कन्विंस किया गया और जबरदस्ती हमें प्रेशर दे करके हमें रात को 12 बजे रिजाइन दिलवाया गया। वहां पे हमने भी दिया, भागीरथ जी ने भी दिया। जब इस प्रोसेस को आगे बढ़े तो हमें समझ में नहीं आया कि डिसीजन हमारा सही है कि गलत है, तो हमने आपस में अपने कोर के साथ बैठ करके हमने बात किया कि हमने एक बार देखते हैं कि क्या है। हमने अपने कोर के साथ इनको मिलवाया और उनके साथ बहुत सारे वादे किए कि हम बहुत जल्द 1 सितंबर को, सितंबर फर्स्ट वीक में हम पे आउट लेकर के आएंगे। और जैसे हम यहाँ से दिल्ली से जब वापस गए तो मुझे भी कोरोना हो गया, भागीरथ जी को भी कोरोना हो गया, मेरी फैमिली को भी कोरोना हो गया। इस बीच में हम आकर के पता नहीं कर पाए, लेकिन जैसे हम ठीक हुए, जब हम घर गए तो यहाँ से जाने के बाद मेरे पिताजी ने पूछा कि क्या बात थी, कैसे गए, तुरंत आ गए। तो मैंने उनको सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा तूने बहुत बड़ी गलती करी। मुझे आभास हुआ इस बात का और हम उसी दिन से बहुत बड़े परेशान से होने लगे। जैसे हमें आराम हुआ, भागीरथ जी के यहाँ आराम हुआ थोड़ा सा, उनको हम दिल्ली आए। जब यहाँ पर आकर के पता किए तो कुछ भी नहीं था ऐसा, सब कुछ झूठ था। यहाँ जब हम बैठ करके उनसे पूछने लगे सारी कंपनी के बारे में तो उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में मुझे बहुत सारी बातें बताई कि सेफ शॉप कंपनी ने हमें रोक दिया है, हमारे प्रोडक्ट के ऑर्डर कैंसिल करा दिए, हमारे डॉक्यूमेंट रुकवा दिए, हमारे मिनिस्ट्री में डॉक्यूमेंट रुकवा दिए। तमाम सारी बातें ऐसी ऐसी करने लगे जहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं भागीरथ जी एक ही दिन मिलने के बाद हम एक दूसरे की आंखों में मिल करके झांक लिए कि यहाँ पे हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जिंदगी की, जो हमने ब्लाइंड फेथ किया। और वहां से निकलने के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि अब हमें तुरंत इसी टाइम पे निकल जाना चाहिए वापस। उसी टाइम पे भागीरथ जी को मैं बोला कि अजय सर को फोन लगाओ। इन्होंने स्टेटस देखा, अजय सर थे नहीं यहाँ पे। फिर हम लोग बड़े परेशान हो कि हम क्या करें। उसी बीच में मुझे एक और ध्यान आया कि हमारे कुछ और मित्र थे जिन्होंने ऐसे ही विश्वास के अंदर इनके ऊपर भरोसा किया। हम लोग ब्लाइंड फेथ किए और मुझे वहां पे बिल्कुल नजर आ गया कि हम मौत के मुंह में खड़े हैं। मुझे भगवान ने बुद्धि दी कि मैं अपने दोस्तों को भी इस बात को समझाने में सफल रहा। मैं बता पाया कि आकर के अपनी आंखों से देखो, इन लोगों ने ऐसा प्लान किया हुआ था कि सिर्फ 2-2 लोगों को बुलाते थे, एक जगह से टीम आती थी तो दूसरी टीम को वहां से भेज देते थे ताकि वो आपस में मिल सके और सच्चाई एक दूसरे को पता न चल पाए। इस तरह की प्लानिंग इन्होंने करी। पूर्वांचल से लोग यहाँ पे आए जब यहाँ रुकने की जगह नहीं थी उनको, हमने एक साथ रुके और सारा दूध का दूध पानी का पानी हुआ और ये समझ में आ गया कि हमारे साथ उन्होंने गद्दारी करी है, हमारे साथ छल किया है। सेफ शॉप कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है। हम गए, डायरेक्टर सर से मिले यहाँ पे। हम बता नहीं पाएंगे आपको कि क्या वहां पे हमने देखने को मिला। सर की आंखों में जो एक चाहत थी, जो एक ईमानदारी, आंखों में आंसू आ गए। हम सब रोने लगे वहां पे बैठ करके, कितने बड़े धोखे में फंस गए थे। सेफ शॉप इतनी बड़ी तैयारी करे कि अपने लोगों को 24 घंटे के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी का वादा कर रही है। एक दिन में आईडिया ग्रीन हो रही है, रोज घंटे घंटों में आईडी ग्रीन हो रही है। कंपनी के अंदर 2-2 बड़े हाउसवेयर तैयार किए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम प्लान किया गया है। हमारे डायरेक्टर सर पर्सनली जाकर के मॉनिटर कर रहे हैं। इतने भव्य तैयारी चल रही है, इतना जबरदस्त तैयारी चल रही है। सेफ शॉप के एडवाइजर के लिए, सोल्जर्स को आगे लेकर जाने के लिए कंपनी नया प्लान लेकर के आ रही है ताकि कंपटीशन में हम आगे निकल पाए, बड़े पे आउट पे जा पाए। इतना सारे भविष्य को लेकर के सेफ शॉप हमें काम कर रही है, लेकिन हमें किस तरह से गुमराह किया गया। मैं भगवान से कहूंगा कि ऐसा अपलायन इस दुनिया में किसी को ना मिले, दुश्मन को भी ना मिले, जो हमारे साथ हुआ है। और जब हम दोनों ने देखा कि हमारे साथ जब पीछे मुड़ करके देखा तो हम रात भर सोए नहीं कि हमारी पूरी टीम का भविष्य इन्होंने गड्ढे में डाल दिया। लगभग 1.5 महीने से हम सब इतने बुरी तरीके से परेशान है कि बस भगवान ही बचाया है और मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अलावा। सेफ शॉप नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। आज मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार में, आज मेरे बच्चों को आज कपड़े में मिल रहे हैं। मेरे घर, मेरे नस में, अगर ब्लड के अंदर अगर आप चेक करें, मेरे डीएनए के अंदर आपको सेफ शॉप मिलेगा। एक घर के अंदर चम्मच, मैं पैदल आया था सेफ शॉप के अंदर, आज मैं कार में चलता हूँ। मैं किराए के घर में दिल्ली में रहता था, आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ सेफ शॉप की वजह से है। लेकिन एक गलत अपलाइन, एक गलत संगत की वजह से आज हम सबका भविष्य अंधकार में फंस गया था। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे हिम्मत दी ताकि मैं जांच कर पाया और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सही गाइडलाइन देने में सफल हो पाया। इसीलिए मैं भगवान का भी शुक्रिया। हमारे सारे डायरेक्टर एक भगवान तुल्य हैं जिन्होंने हमें अपनाया, शरण दिया और आशीर्वाद दिया और हमें बहुत सारी प्यार दिया उन्होंने। हमारे अपलाइन जो लगभग आज जब उनको इस बात का आभास हुआ कि हमें अपने पछतावा का ध्यान हो गया है, उन्होंने दिन रात हमारे लिए एक किया, गले लगाया। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, मेरी पूरी टीम से, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे अपलाइन से, कि मेरी एक फैसले की वजह से, विश्वास करने से जो कुछ भी हानि हुई है, जो कुछ भी तकलीफ हुआ है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे हमें सद्बुद्धि दें ताकि हम अपने जीवन में आगे सफल पाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ अगेन सेफ शॉप को। जय हिंद, जय सेफ शॉप। दोस्तों, हमारे बीच में हमारे डायमंड लीडर कुशवाहा जी की, डाउनलाइन के डायमंड लीडर भागीरथ सिंह जी भी अवेलेबल है। मैं चाहूंगा भागीरथ सिंह जी भी अपने बारे में कुछ बताएं और अभी अपनी फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं और पिछली बातें भूल जाएं और आगे की बातें बात करें। अपने नेटवर्क को अभी हम किस तरह से मिलकर काम करने वाले हैं उसकी ज्यादा बात करें। भागीरथ सिंह जी। नमस्कार साथियों, मैं डायमंड लीडर भागीरथ सिंह। दोस्तों, सबको पता था कि कोविड के टाइम पे जो प्रोडक्ट डिलीवरी का जो इशू चल रहा था वो सभी के साथ में चल रहा था और इसी दौरान हमारे पास एक दिन रात को कॉल आया था हर्ष बिल्ला सर का और उन्होंने हमारे को दिल्ली में बुलाया और जब हम दिल्ली में पहुंचे तो हमारे को कंपनी के सेफ शॉप के अगेंस्ट प्रोडक्ट को लेके, चेक्स को लेके, पे आउट को लेके, प्लान को लेके, ना जाने अनगिनत बातों को लेके हमारे को बुराई करी, हमारा माइंड वॉश किया गया और हमको बोला कि हम ऐसे आगे जो करने वाले सारी चीज़ों के बारे में बताया। एक अपलाइन के ऊपर एक ब्लाइंड फेथ करके जो हमने गलती करी, आज उस गलती का बहुत बड़ा हमारे को पछतावा हो रहा है। हमारे डायरेक्टर्स के बारे में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, बोला कि कैंसर हो गया है, साथ उठते बैठते नहीं है, ना जाने कैसी कैसी बातें हमारे को बोली गई और हमें इतना बिलीव हो गया कि हमने गलती कर दी। आज उस गलती का बहुत बड़ा पछतावा भी हो रहा है और हमने हमारे को रात को 12 बजे हमको बोला कि रिज़ाइन डालो, ज़बरदस्ती हमसे रिज़ाइन डलवा दिया। हमने उसी टाइम भेज दिया विश्वास के ऊपर और हम वापस चला गया। जैसे वापस गया उसी दिन मैं गया तो मेरे को कोविड हो चुका था, बुखार आ रहा था, मुझे चेक कराया तो कोविड निकला। उसके बाद मेरी वाइफ को, मेरे बेटे को, इनको भी हुआ और वाइफ को 6 दिन एम्स में भी भर्ती रही। और जब बार बार टीम से फ़ोन आने लगा, कभी हमारे को फ़ोन आता था कि सर कब स्टार्ट हो रहा, वही हमने अपलाइन से पूछा कि सर कब स्टार्ट हो रहा, हमारे कभी भी संतुष्टि जवाब नहीं मिला। कभी बोला कि पहले साइनअप पूरे होंगे, फिर KYC का बहाना आने लग गया, ना जाने क्या क्या बहाने बनाए। अंदर से हमारे को फील कुछ अजीब सा होने लगा तो हम दिल्ली आए, देखा आखिर है क्या माजरा। जब हम दिल्ली में पहुंचे, जब हमने बातचीत खोजबीन स्टार्ट करी तो कुछ माजरा अलग ही नजर आने लगा। कोई भी बात हमारे को संतुष्ट नहीं मिल रहे थे कि कहना क्या चाह रहे हैं हमारे से। कभी कुछ जवाब, कभी कुछ जवाब, कोई भी ऐसा जवाब नहीं जिससे ये लग जाए कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। हर बात में झूठ नजर आने लगा। हमको लगा कि हमारा भविष्य पूरा अंधकार में चला गया, टीम का चला गया। एक विश्वास पे, एक कहने पर हमारी पूरी टीम आ गई थी अंधे विश्वास पे। आज मैं मेरी उस गलती की वजह से मैं बिल्कुल उनसे क्षमा चाहता हूँ कि हमने एक अंधा विश्वास कर लिया। और जब हमने डिसाइड किया, मैंने कुशवाहा सर ने कि नहीं सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चलिए हम चलते हैं, डायरेक्टर सर से मिलेंगे, अपने मन की बात बता देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा फ्यूचर में, लेकिन हमारी बात है जो हम पहुँचाएंगे जरूर कि हमसे कितनी बड़ी भूल हुई। हम गए, उधर जाने के बाद जब डायरेक्टर से मिले तो सच बोल रहा हूँ कि जो हमने जो फीलिंग की, क्योंकि मेरा पहली बार इतनी महान कंपनी, 20 साल पुरानी कंपनी, एक एक व्यक्ति से मिले थे, हमारी सोच के पर हमको ऐसा लग रहा है हमने क्या कर डाला, इतनी बड़ी भूल कैसे होगी हम लोगों से। और दो वेयर हाउस खुल गए, प्रोडक्ट हाथों हाथ निकल रहे हैं, आईडी दिन में 7-7 बार ग्रीनिंग हो रही है। इतना एडवांस पे आ चुकी है कंपनी जिसका कहना कोई हद नहीं। आज सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी कंपनी से बनकर निकलने वाली है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ जवाब दूंगा तो अपने काम से ही दूंगा। अपनी पूरी टीम से एक ही वादा करके जा रहा हूँ यहाँ से कि अब हम जो करेंगे वो बहुत बड़ा काम करेंगे और पूरी टीम के लिए रात दिन एक कर देंगे, जैसा वो चाहेंगे हम वैसा करेंगे। सेफ शॉप जिंदाबाद थी, है और हमेशा रहेगी। मैं अपनी गलती के लिए एक बार वापस से क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय सेफ शॉप। दोस्तों, डबल डायमंड लीडर पंकज लाल प्रेमी जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं गाजीपुर से, यूपी से। मैं चाहूंगा पंकज जी आप स्क्रीन पर। जी पंकज जी नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पंकज गाजीपुर से डबल डायमंड। साथियों, मुझे भी जैसा कि प्रदीप सर ने बताया, दिलीप सर ने बताया, भागीरथ जी बताया और उन्हीं विश्वास की तरह जैसे एक रेल का इंजन चलता है, पीछे से बोगी चलती है, हम लोग तो उसी तरह चलते हैं। हम तो प्रदीप सर पे पूरा का पूरा विश्वास, भरोसा किए। अगर उस घटना में गए तो हम भी गए सर, लेकिन कोई बात नहीं, इस इतनी बड़ी घटना से बहुत बड़ी सीख मिली। लाइफ में ऐसा नहीं होगा। मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, पूरी टीम से माफी मांगूंगा, सारे 5 डायरेक्टर से भी माफी मांगूंगा। यहाँ से अब जो करूंगा सेफ साहब के लिए दिन और रात एक कर दूंगा साहब, सर और पूरी टीम को उठाऊंगा। अब से जो भी गलती है उसके लिए मैं क्षमा और प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। दोस्तों, डबल डायमंड लीडर मिस्टर सोहन सिंह जी भी हमारे बीच में है, डायमंड लॉन्च में बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा सोहन सिंह जी भी कुछ बातें बताएं। दोस्तों नमस्कार, मैं डबल डायमंड लीडर सोहन कुमार सिंह। दोस्तों, पिछले 10 साल से मैं सेफ शॉप बिजनेस में था और लगातार मैं काम करता जा रहा था। छोटी सी उम्र में मात्र 20 साल की एज में सेफ शॉप बिजनेस को मैंने ज्वाइनिंग किया। दोस्तों, अपने जीवन में अपने माता पिता से ज्यादा मैंने विश्वास हर्ष सर, दीपक सर और प्रदीप सर के ऊपर किया। क्योंकि दोस्तों हमेशा सर लोगों का सपोर्ट रहा, आशीर्वाद मेरे साथ रहा। दोस्तों एक दिन रात में फोन आता है हमारे अपलाइन प्रदीप सर का, उन्होंने बोला सोहन दिल्ली चलना है, दीपक सर बुलाए हैं, कुछ अर्जेंट मीटिंग है। उसके बाद हम लोगों ने सुबह में दोस्तों हमारी गाड़ी से हम लोग दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद एक होटल में बुलाया गया, वहां पर हम सभी एक साथ बैठे हुए थे। वहां पर हर्ष सर, दीपक सर, अमित सर, गहलोत जी, बहुत सारे लीडर दिल्ली के थे। वहां बैठ के बातें होने लगी, लोगों बताना चालू किए कि सेफ शॉप कंपनी का भविष्य कुछ अंधेरे में जा रहा है, डायरेक्टर लोगों में वापस में पट नहीं रहा है, पैकेज देखो लेट जा रहा है, चेक लेट जा रहा है, लोग छोड़ दूसरे कंपनियों में लगातार चले जा रहे हैं, तुम रिस्क पर रिस्क ले लिए हो, कैसे तुम्हारा सारा रिस्क प्रॉब्लम समस्या दूर होगी। उसके बाद दोस्तों हम सभी वापस चले जाते हैं, वापस हम चले गए। उसके बाद फिर दोबारा प्रदीप सर हमारे पास फोन करते हैं, बोलते हैं सोहन दीपक सर को हर शॉप टर्मिनेट कर दिया गया। दोस्तों उस समय मैं मीटिंग ले रहा था अपनी टीम का, मैं तो बहुत परेशान हो गया, ऐसा क्या हो गया, सर लोग टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद पता चला कि सर लोग अपनी कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी के साथ काम करना होगा। दोस्तों मैंने कभी अपलाइन के ऊपर अंध हमेशा मैंने विश्वास किया, कभी मैं अपना दिमाग लगाया नहीं। दोस्तों मैंने विश्वास कर लिया, अपनी टीम के लीडरों को मीटिंग रखा और सबको बताया मैंने कि सर लोग कंपनी बना रहे हैं, ऐसी सी बातें हैं। उसके बाद साइन अप होना चालू हो गया। 1.5 महीने से हम लोग लगातार परेशान हैं, टीम बहुत परेशान है। हमेशा दोस्तों धोखा में रखा गया। जिस कंपनी ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट, मैंने घर लिया, गाड़ी लिया। दोस्तों एक चम्मच भी मेरे घर के अंदर है ना, तो सेफ शॉप की वजह से दोस्तों सेफ शॉप ने इस मात्र 30 साल की एज में दोस्तों देश विदेश की यात्रा मुझे कराया। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मुझे कोई तोड़ भी नहीं सकता। दोस्तों सेफ शॉप प्रति मैं इतना वफादार था, इतना ईमानदार था, कभी मुझे कोई तोड़ नहीं सकता था। अगर दोस्त हमारे अपलाइन हमारे साथ छल नहीं किए होते तो दोस्तों हम कभी भी सेफ शॉप का दामन नहीं छोड़ सकते थे। और मैं हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा अपने टीम के सभी लीडर से, अपने डायरेक्टर से, हमको मौका दें, हम सेफ शॉप में वह काम करके दिखाएंगे, इतिहास जरूर बनाएंगे। और प्रदीप सर के साथ हमेशा मैं काम करूंगा, आगे बढ़ूंगा और मैं उम्मीद करूंगा हमारे डायरेक्टर्स हमेशा हमारा साथ देंगे, हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस समय हम अनाथ भी एक तरह से हैं, क्योंकि दीपक सर शुरू से गाइड करते रहे, बस उनकी बातों में आकर हम लोग फंस गए। मैं क्षमा चाहूंगा अपने टीम से और हमेशा मैं सेफ शॉप साथ काम करूंगा। सेफ शॉप जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। दोस्तों हमारे बीच में डायमंड लीडर मिस्टर अमरनाथ भार्गव जी भी हैं, जो दिल्ली आए हुए हैं और डायमंड लाउंज में बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा अमरनाथ भार्गव जी भी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं और अपनी फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं हमें। अमरनाथ भार्गव जी, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले सर छत एक बार फिर से देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सेफ साहब को। और मैं ज़रूर इतना बोलना चाहूँगा कि मैंने कुछ टाइम पहले एक बात सुनी है दोस्तों कि एक रंगीन बूंद पूरे बाल्टी के पानी को ख़राब कर देती है। दोस्तों ये बातें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा मिस्टर दीपक बिल्ला, मिस्टर हर्ष बिल्ला सर के लिए कि जिनके इस विश्वास के नतीजे के कारण आज हम सभी लोग काफ़ी परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो उनकी प्लानिंग थी वो प्लानिंग दोस्तों मैं हकीकत बताऊँ तो आज मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि उनकी प्लानिंग थी कि सेफ साहब के अलग अपनी कंपनी को खड़ा कर लेना। खड़ा करके सबसे बड़ी बात है दोस्तों गुमराह करना, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि गुमराह के रास्ते पर हमेशा अगर हम चलते हैं तो वहाँ सिर्फ अंधेरे नजर आएंगे और वहाँ पे सिर्फ हमें असफलता नजर आएगी। उन्होंने दोस्तों हमेशा कूट कूट कर सभी लीडर के अंदर सिर्फ एक चीज डाला था कि अपने प्रति आकर्षित कर लेना, कंपनी से दूर कर लेना। सेफ साहब से हमेशा कंपनी के डायरेक्टर से, कंपनी के सारे बड़े लीडर से उन्होंने हमेशा सिर्फ एक काम किया कि सिर्फ अलगाव किया, अलग किया। और इसी का बेनिफिट, इसी का नतीजा उन्होंने हम सभी लोगों के साथ लिया कि इवॉल्व इंडिया जैसी कंपनी को खड़ा करके हम सभी लोगों को उन्होंने सिर्फ बेवकूफ और गुमराह किया। लेकिन दोस्तों धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पर अपने कंपनी के सभी डायरेक्टर को कि जिन्होंने इतनी भारी चूक, इतनी बड़ी गलती हम सभी लोगों ने जो रिजाइन दिया हुआ था कि हम सभी लोग कंपनी से अलग हैं। लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा कंपनी के सभी महान डायरेक्टर को जिनके अंदर इतना बड़ा दिल है, कितनी बड़ी गलती होने के बावजूद हमें अपने उसी पुराने घर के अंदर लिया जो घर हम पिछले 15 साल 14 साल से उस घर में रहते थे। शायद ही किसी का दिल इतना बड़ा हो सकता है। मैं कह सकता हूँ ये या तो वो हमारा गुरु, या तो हमारा वो माता पिता हमारे हो सकते हैं, दूसरा अगर कोई हो सकता है तो हमारी कंपनी के ग्रेट वो आदरणीय डायरेक्टर सर हो सकते हैं कि जिन्होंने देखा कि 14 सालों से वो बच्चे हमारे कंपनी के अंदर काम करते थे और आज दोबारा से उन्होंने जो लिया। तो ये साबित दोस्तों होता है कि कोई और नहीं हो सकता, वो सिर्फ हमारे गार्जियन है, क्योंकि उनकी जो सोच है, जो उनकी निगाह है। ठीक है, आज मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आज हमारी टीम जो थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी सी दूर है, जिनका उन्होंने इतना लंबा नुकसान हुआ, उन सभी के साथ मिलकर हम सभी लोग बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे और इसी हिंदुस्तान के अंदर, हर कोने के अंदर, हर घर के अंदर हम सेफ शॉप का जो झंडा है वो घर घर के अंदर दोस्तों फहराएंगे, लहराएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ दोस्तों अपनी बात को यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा और एक लास्ट बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं धन्यवाद मान सर को जरूर करना चाहूंगा, धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। मेरे सामने संजय सर बैठे हुए जिनकी हमेशा हेल्प मिली है, तो थैंक यू सर, आपका हमेशा मार्गदर्शन मुझे मिला है और मैं उम्मीद करूंगा सर ये मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ मिलता रहेगा, और ताकि हम किसी गलत रास्ते में ना जाए, किसी को कुछ भी समझना हो तो सर प्लीज हेल्प, थैंक यू। और जाते जाते एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि सेफ शॉप के सभी सोल्जर सिपाहियों को एक बार सैल्यूट करना चाहूंगा, आई विथ यू, प्रॉमिस करते हैं मिलकर, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे बीच में एक और डायमंड है जो अपनी घर वापसी कर रहे हैं आज, अजीत खामोश जी हमारे बीच में है और मैं चाहूंगा अजीत खामोश जी भी आज खामोश ना रहे और दो शब्द जरूर बोले। अजीत खामोश जी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी टीम से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि दोस्त अपलाइन के ऊपर विश्वास करना सिखाया गया था सेफ शॉप में और मैंने अपलाइन पे विश्वास किया और अचानक एक दिन फोन आया टर्म फेसबुक पे, मैं वर्कशॉप ले रहा था अपनी टीम को और फेसबुक पे मैंने देखा कि टर्मिनेशन दीपक सर का, हसर का आ गया। मैंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, कंपनी ने मेरे साथ गलत कर दिया, तमाम बातें बताई और जो भी आज जितना भी शब्द बोला जाए कम है, क्योंकि दोस्त आप भी कहीं भी हर आदमी अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करता है और वही जो बोला जाता है ना कि महाभारत में एक पात्र आता है एकलव्य और द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा तो नहीं दिया लेकिन एकलव्य ने लिया, लेकिन अंगूठा काट उसका मांग लिया। तो आज हम लोगों का जो मान सम्मान है बस उसको गिरा दिया तो सिर्फ एक व्यक्ति ने, और वो व्यक्ति का नाम आप जान ही रहे हैं, बस अपलाइन शब्द को बदनाम कर दिया। दोस्त इससे सबसे बड़ी चीज है कि आज यहाँ तक पहुंचा हूं तो सेफ शॉप के बदौलत, मेहनत किया, संघर्ष किया, मेरी टीम ने मेरा साथ दिया, बस थोड़ी सी गलती में से चूक हो गई कि हम पहचान नहीं पाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अपलाइन की बातों में आ गए और बात डिजाइन दे दिया। और आज मैं जब डायरेक्टर सर से मुलाकात हुई, बातें हुई और उन्होंने लोगों उनकी बातों को सुनकर दिल में लगा कि यार पिता बेटा कितनी बड़ी गलती कर दे लेकिन घर आने पे पिता गले लगा लेता है, तो आज हम सबको पिता की समान डायरेक्टर गले लगा लिए। और इसी पे बस इतना ही कहूंगा दोस्त, ये गलती आप मत करिएगा, नहीं तो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का आपका कैरियर 2 मिनट में प्रलोभन आपको ले डूबेगा कभी भविष्य में आप। तो दोस्त घर आपका है और अपने घर पे वापस आना चाहिए, मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा। और एक ही चीज बोलूंगा कि एकलव्य आज शान से बोला जाता है लेकिन द्रोणाचार्य ने थोड़ा सा छल किया जिसके वजह से आज वो कपटी कहे जाते हैं। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, सेफ शॉप जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और सेफ शॉप पे तब भी हमें बहुत ज्यादा भरोसा था, अदर कंपनियों वाले की हिम्मत नहीं होती थी हम लोगों से बात कर सके, कभी अपना प्लान शेयर कर सके, लेकिन बस धोखा खाया तो अपनों के बदौलत। और आज हमारे साथ अपने प्रदीप सर भी हैं और हम सब मिलके सेफ शॉप को उस मुकाम तक लेके जाएंगे जो 8 साल 9 साल दिया है और आज जिंदगी भर देंगे। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि दोस्त आज गलती का एहसास हुआ है। तो बस इस बिल के लिए सबसे श्रेणी में मानूंगा मान सर को, क्योंकि सर से जब मुलाकात हुई तो सर ने एक ही चीज बोला यार कोई गलती नहीं की हो, गलती तो हर आदमी करता है, घर आ गए हो बस। और संजय सर का धन्यवाद करूंगा और सारे सेफ शॉप एडवाइजर का कि दोस्त कभी बहकावे मत आना, कभी ये सिक्के के एक पहलू को मत देखना, जब भी देखना तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं और जिस दिन दोनों पहलू को देखोगे कभी गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो बस सर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा और यहाँ से सेफ शॉप का झंडा लहराना है, लहराना है, लहराना है। और 2 तारीख को जो सेफ शॉप लेके आ रहा है नया प्लान मार्केट में, इसके मुकाबले कोई नहीं होगा। तो धन्यवाद सर। दोस्तों मैं लास्टली अपने सभी सेफ शॉप सोल्जर्स को इतनी ही बात कहना चाहूंगा, एक आश्वासन देना चाहूंगा, एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये कि हमने कभी भी किसी के बारे में कुछ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को नीचा दिखाने से, किसी के बारे में कुछ बातें बोलने से हम ऊंचे नहीं हो जाते हैं। सेफ शॉप ने हमेशा ऊंचे मापदंड रखे हैं, सेफ शॉप एडवाइजर्स का आचरण हमेशा टॉप क्लास रहा है और वैसा ही रहना चाहिए। जो संस्कार हमें सेफ शॉप के लीडर्स मैनेजमेंट से मिले हैं, जो संस्कार हमें हमारे डायरेक्टर्स से मिले हैं, वो संस्कार हमारे बीच में हमेशा रहने चाहिए। कोई बात नहीं, कुछ लोगों से गलती हुई, उन्होंने गलत डिसीजन लिया और उनको रियलाइज हो गया कि उनका डिसीजन गलत था। मैंने तो कभी भी किसी के लिए कुछ गलत दिमाग में नहीं रखा, कुछ गलत भावनाएं उनके बारे में नहीं रखी। वो हमारे पास आए, हमसे आगे मिले और हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स ने, हमारी मैनेजमेंट ने उनको माफ कर दिया, उनकी माफी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं अपने सभी डायरेक्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे परिवार के जो सदस्य जो बिछड़ गए थे हमसे कुछ दिनों के लिए, वो हमारे बीच में, हमारे परिवार में आज दोबारा आए और उनको हमने स्वीकार कर लिया। इसके लिए पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा मैं उन लीडर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने उनको फिर से गले से वापस लगा लिया। दोस्तों, सेफ शॉप एक बहुत ऊंची, एक बहुत लंबी और बहुत ही शानदार उड़ान भरने जा रही है। 2 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन है। 2 अक्टूबर हमें बापू मिले थे। 2 अक्टूबर को बापू को हम श्रद्धांजलि तो देंगे ही देंगे, लेकिन 2 अक्टूबर को सेफ शॉप एक नए रूप में आपके सामने आने वाली है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों, कुछ महीनों में हमारी कंपनी ने कितनी जबरदस्त तैयारी की है 2 अक्टूबर के लिए। हम सबको पता है कि हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारे ऑफिस के सभी सीनियर स्टाफ मेंबर्स ने बहुत मेहनत की है, जमकर दिन रात काम किया है। हमारे जो लॉजिस्टिक सिस्टम जो कोविड के टाइम पे थोड़ा सा खराब हो गया था, जो डिस्टर्ब हो गया था, उसको फिर से दुरुस्त किया गया। हमारे वेयर हाउस तैयार हैं, काम कर रहे हैं। अभी 1 सेकंड के लिए भी एक भी पैकेज पेंडिंग नहीं रहता है। हर रोज डिस्पैच होता है। दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार हमारे पैकेजेस डिस्पैच होते हैं। आज के दिन सेफ शॉप का जो वेयर हाउस है, हमारे आज के दिन जो हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम है, हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, वो वर्ल्ड क्लास है। आज किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी से आप सेफ शॉप कंपीट कर सकते हैं, उनको कंपेयर करके दे सकते हैं। मैं तय कहूंगा, सेफ शॉप में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रीपैकेजिंग हुई है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी एक नए रूप में आ गए हैं। और हमारे प्लान में, हमारे जो कंपनसेशन प्लान है, हमारा जो इंसेंटिव्स है, वो 2 अक्टूबर से उसमें बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। 2 अक्टूबर को हम सबके छक्के छुड़ाने वाले हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम सब तैयार हैं, हम पूरी तरह जोश में हैं, हम पूरी तरह से हिम्मत रखेंगे और हम सब मिलकर सेफ शॉप को हिंदुस्तान की ही नहीं, दुनिया की सबसे महान कंपनी बनाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय सेफ शॉप, जय हिंद।